नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, अपडेट सेक्शन आज हमारा है और इस पर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के। साथ ही देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक अध्यापक LT कोर्ट केस जो अपडेट्स है उस पर बात करेंगे, जो कि आप सब जानते हैं कि कल यानी कि 6 तारीख को इस पर कोर्ट में हियरिंग थी, तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या हुआ इसमें। लोक सेवा आयोग नई भर्ती जारी करेगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और शिक्षक भर्ती की जांच होगी या नहीं, क्या आजकल अपडेट्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हिंदी में क्या आपके डाउट्स हैं, क्या आप के कौन से सब्जेक्ट की मतलब कहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं या क्या किस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप बताऊँगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हम LT की अपडेट्स को लेकर बात करते हैं। दोस्तों, लंबे समय से लगभग 8-9 महीने से जो ये मैटर है, चाहे वो हिंदी का हो या सामान्य का हो, फिज़िकल एजुकेशन का हो, तो वो कोर्ट में चल रहा है और उस पर सुनवाई चल रही थी। तो कल देखिए 6 तारीख को इस पर सुनवाई होनी थी। मैं यहाँ पर हाईकोर्ट की साइट से इसे देख रही हूँ। तो अगली जो डेट मिली है वो 14 सितंबर 2022 की मिली है, ठीक है, यानी कि 14 सितंबर 2022 को इस पर अगली सुनवाई होनी है। और काफ़ी लंबे समय से ये जो कोर्ट से बहाली इसे नहीं मिली है, डेट पे डेट मिल रही है। अब देखते हैं कि इसमें, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप कोई दिख रहा हो तो अब तक इसमें इतनी सारी डेट्स लग चुकी हैं, इतनी सारी सुनवाई हो चुकी हैं। तो जो कल 6 तारीख को इस पर सुनवाई हुई थी और अगली जो डेट मिली है वो मिली है 14 सितंबर की, ठीक है। तो ये काफ़ी हम कह सकते हैं निराशाजनक खबर है कि बहुत समय से, लंबे समय से स्कूलों में, उत्तराखंड के स्कूलों में टीचर्स की कमी है और उसके चलते ही जो ये शिक्षक हैं, इन्होंने मेहनत की और अपनी तैयारी करने के बाद जब निकले तो लंबे समय से इन्हें लटकाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। हम प्रे करेंगे कि जल्दी से कोर्ट से बहाली मिल जाए और जल्द से जल्द स्कूलों में टीचर्स अवेलेबल हो जाएं। अगली खबर है हमारी, लोक सेवा आयोग की भर्तियां हैं प्रस्तावित। तो अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कल उन्होंने एक बयान जारी किया कि जो भर्तियां हैं जिन पर जो STF की या जो भी जांचें चल रही हैं वो तो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो विभागों में मतलब पोस्टें खाली हैं उनके लिए लोक सेवा आयोग को उन्होंने एक प्रस्ताव जारी किया है या एक अधियाचन भेजने की शीघ्र मांग की है, कोशिश मतलब आदेश दिए हुए हैं। और देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाएं लंबित हैं। नवंबर माह तक आयोग ने इनकी परीक्षाएं कराने का लक्ष्य रखा है। इनमें लोअर PCS के 191 महाअधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 17, वन विभाग में वन क्षेत्राधिकारी के 46, PCS मेंस के 314 और महाअधिवक्ता कार्यालय में अनुवादक के 2 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। इसके साथ ही डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट से लगी रोक भी बहाल हो चुकी है। इनकी भर्ती प्रक्रिया में जल्द शुरू भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होनी है। तो ये कुछ भर्तियां हैं और इसके अलावा भी लगभग टोटल कह रहे थे कि 3000 से ऊपर यहाँ पे भर्तियां होनी हैं। तो विभिन्न विभागों में यहाँ पे अधियाचन भेजा जाना है और शीघ्र ही हमें नई वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो ये था हमारा अपडेट। दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या जो LT है उस पर भी CBI या STF की जांच हो सकती है। तो दोस्तों, अभी तक CBI की जांच तो किसी में भी नहीं हुई है। मांग तो बहुत ज़ोरों से चल रही है हर किसी की, लोग सड़कों पर इसके लिए उतरे हुए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें सरकार क्या आदेश देती है। लेकिन STF की जांच अभी चल रही है और काफ़ी गिरफ्तारियां इसमें 30-35 के करीब गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो इसमें जो सफ़ेद नकाबपोश हैं या जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी जल्द से जल्द पकड़े जाएं और
रही बात शिक्षक भर्ती की, तो देखो आयोग के जो संतोष बडोनी हैं और कुछ और अन्य अधिकारी हैं उन पर भी जांच के आदेश, यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन पर भी जांच बैठ सकती है। अभी उनसे उन पर जांच करने के आदेश जारी किए जाएंगे। तो जब उन पर जांच बैठेगी तो जाहिर सी बात है कि जो शिक्षक भर्ती जो LT का अगर हम बात करें तो वो पेपर जो है वो UK SSC ने ही कंडक्ट कराया था। तो ऐसे में ये लाजमी है कि जो LT की भर्ती परीक्षा है उस पर भी जांच के, वो भी जांच के दायरे में आ सकती है, क्योंकि उस दौरान भी वही जो संतोष बडोनी थे वो कार्यरत थे आयोग में। तो हो सकता है कि उनके कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हैं हो सकता है उन सब पे जांच बैठाई जाए। तो अगर वो इस घेरे में हैं, संतोष बडोनी अगर इस मामले में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं LT भर्ती पर भी थोड़ा और ज़्यादा डिले होने की संभावनाएं जताई जा रही है, अगर जांच गहनता से बैठती है तो। बाकी देखते हैं कि क्या होता है आगे। हम उम्मीद करेंगे कि जो भर्तियां धांधलियाँ सामने आ रही हैं शिक्षक भर्ती में ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ, अगले वीडियोस के साथ, और बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।